बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्माइन फॉर्म। तो फार्माइन फॉर्म में जैसे कि आपको पता है हमने टैबलेट कोटिंग की सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है टाइप्स ऑफ द टैबलेट कोटिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की समझ आए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोटिंग टाइप्स। बेसिकली कोटिंग की तीन टाइप्स होती हैं, शुगर कोटिंग पहली टाइप, फिल्म कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग। हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो शुरू करेंगे शुगर कोटिंग से, उसके बाद देखेंगे फिल्म कोटिंग को, उसके बाद देखेंगे इंटेरिक कोटिंग को। आज हम शुरू करेंगे शुगर कोटिंग से। तो शुगर कोटिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, शुगर कोटिंग क्या होती है, शुगर कोटिंग के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, शुगर कोटिंग के स्टेप्स कौन से होते हैं और कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो शुगर कोटिंग की पहले देखते हैं होता क्या है। प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टैबलेट या कोर टैबलेट्स विथ सुक्रोज सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड शुगर कोटिंग। यानी शुगर कोटिंग कोटिंग की वो टाइप होती है जिसमें हम कोर टैबलेट के ऊपर सुक्रोज सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन की एक लेयर को अप्लाई करते हैं, तो इसको कहते हैं शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग सबसे पुरानी टेक्निक है। स्टार्ट में जब शुगर कोटिंग से स्टार्ट हुई तो शुगर कोटिंग ही होती थी। शुगर कोटिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, यानी ये एक स्टेज में कंप्लीट नहीं होता। आगे जाके जब हम फिल्म कोटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ आएगी कि वो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। शुगर कोटिंग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। शुगर कोटिंग जो होती है मेनली ऑपरेटर्स की स्किल पे डिपेंड कर रही होती है कि इसके लिए हमारे जो ऑपरेटर्स की स्किल्स होती है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ऑपरेटर ही या ऑपरेटर की स्किल से ही ये डिटरमाइन हो रहा होता है कि सॉल्यूशन उसने कब लगाना है, गोली को या टैबलेट्स को कितना ड्राई करना है, पेन स्पीड को कितना फास्ट रखना है या स्लो रखना है। और जो हमारा कोट है सॉल्यूशन का वो टैबलेट्स के ऊपर कब अप्लाई करना है। बेसिकली ये कन्वेंशनल टाइप की कोटिंग होती है। इसका बेसिक्स ओवरव्यू स्टार्ट में आपको बताता हूँ, फिर आपको स्टेप्स शुरू करेंगे कि हमने कोर टैबलेट्स ले ली होती हैं, उनकी पहले डी डस्टिंग करते हैं, फिर उनको पैन के अंदर डाल देते हैं कन्वेंशनल पैन के अंदर, फिर पैन को रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद टैबलेट को हम हीट अप्लाई करते हैं, थोड़ी टैबलेट को गर्म करते हैं। उसके बाद ऊपर हम डिफरेंट लेयर्स या सॉल्यूशन को डिफरेंट स्टेजेस में अप्लाई करते हैं। साथ अप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन हम टैबलेट को हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से वाटर की एवेपोरेशन होती रहती है और जो उसके अंदर हमारा सॉलिड कंटेंट्स होते हैं वो टैबलेट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो स्क्रोज हो, टैल्कम हो या जो भी चीज़ें हैं वो टैबलेट के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। और ये सिंपल सा प्रोसीजर जो होता है ये कंटिन्यूसली हम रिपीट करते रहते हैं। यानी हम अपने टैबलेट्स को पैन में रोटेट करते हैं, ऊपर हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, साथ हीट देते हैं और पैन के रोटेशन को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है कि कोटिंग कैसे होती है, शुगर कोटिंग। अब ये देखते हैं शुगर कोटिंग में जो वेट गेन होता है वो फिल्म कोटिंग की निस्बत ज़्यादा होता है। फिल्म कोटिंग में 1-5% मोस्टली वेट गेन रखा जाता है, शुगर कोटिंग में 30-80% या बाद 50-100% तक का भी वेट गेन आ जाता है। तो ये तो था शुगर कोटिंग के बारे में कुछ ओवर। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेसिकली स्टेजेस ऑफ शुगर कोटिंग। तो हम शुरू करेंगे शुगर कोटिंग की स्टेजेस को। तो देखेंगे शुगर कोटिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, हमारा जो शुगर कोटिंग का प्रोसीजर है वो किन स्टेजेस में और कैसे कंप्लीट होता है। तो शुगर कोटिंग की जो स्टेजेस है बेसिकली वो 6 होती है। पहली स्टेज होती है सीलिंग या वाटरप्रूफिंग, सेकंड स्टेज होती है सब कोटिंग, थर्ड स्टेज होती है हमारी ग्रोसिंग या स्मूथिंग, फोर्थ स्टेज होती है कलर कोटिंग, फिफ्थ स्टेज होती है हमारी पॉलिशिंग और सिक्स स्टेज होती है प्रिंटिंग। तो इसको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेजेस क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली स्टेज से जो है सीलिंग। सीलिंग वाली स्टेज को बेसिकली वाटर प्रूफिंग भी बोलते हैं।
जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि हमने इस स्टेज में अपने जो टैबलेट्स होती हैं उनको वाटर से प्रोटेक्ट करना होता है, तो वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने कोर टैबलेट्स के ऊपर एक लेयर अप्लाई करते हैं जो कि हमारी मॉइस्चर पेनिट्रेशन को या वाटर पेनिट्रेशन को रोकती है। क्योंकि जब हम सब कोटिंग करते हैं तो जो स्क्रूज लोशन होता है हमारा वो वाटर में होता है, अगर हमारी टैबलेट के ऊपर डायरेक्टली हम वाटर अप्लाई करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ टैबलेट, बास टैबलेट्स की कंडीशन ये होती है कि वो डायरेक्ट वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं और जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है उसको। तो इस प्रोसीजर को रोकने के लिए हम सीलिंग अप्लाई करते हैं, फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है, बाज फॉर्मुलेशन में सीलिंग का स्टेप जो होता है वो स्किप कर दिया जाता है, बाज फॉर्मुलेशन में सीलिंग को अप्लाई किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें सीलिंग यूज़ की जाती है, तो सीलिंग यूज़ करने के लिए बेसिकली हम एक जो हमारा मटेरियल होता है शैलिक या जीन उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज़ करके अप्लाई करते हैं एक कोट, ताकि जब हम वाटर ऊपर अप्लाई करें तो हमारा जो है शैलिक या जीन उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना चुका हो तो वाटर की पेनिट्रेशन को वो रोक दे। तो सीलिंग जो है ये वाटर प्रूफिंग देती है, टैबलेट को प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर पेनिट्रेशन से या वाटर पेनिट्रेशन से। जैसा कि बताया आपको कि जब स्क्रोज अप्लाई किया जाता है तो वाटर होता है उसके अंदर लोकलाइज्ड ओवर वेटिंग के चांसेस होते हैं, तो अगर हमारी टैबलेट को प्रोटेक्शन मिली होगी, उसको स्ट्रेंथ मिली होगी सील से, तो वाटर पेनिट्रेशन को रोक देगी। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं या एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, उसमें शैलिक यूज़ किया जाता है, जीन यूज़ किया जाता है, कैप, सेलुलोज एसीटेट, फाइथेलेट और एचपीसी क्लूसर। तो शैलिक बेसिकली जो होता है ये हमारे डिसइंटीग्रेशन टाइम को इफेक्ट करता है, डिसोल्यूशन को इफेक्ट करता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है, डिसोल्यूशन प्रोफाइल इससे लो हो जाती है, इसलिए शैलिक को यूज़ नहीं किया जाता। जीन एक प्रोटीन होती है जो कि डीटी को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए हम जीन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीलिंग की एक स्टेज है सिंपल सी, इसमें जिस हमने अपने टैबलेट को एक वाटरप्रूफिंग कवर देना होता है। सेकेंड स्टेज जो होती है मेन स्टेज कोटिंग की जो होती है शुगर कोटिंग की, वो होती है सब कोटिंग। हमारा जो शुगर कोटिंग का स्टेप होता है एक्चुअली वो शुरू हो रहा होता है सब कोटिंग से। तो सब कोटिंग जो होती है ये हमारे क्यों करते हैं, ये सब कोटिंग क्या होती है, ये हमारी जो टैबलेट होती है उसको मेन जो टैबलेट के ऊपर वेट गेन हो रहा होता है हमारा वो इसी स्टेज में हो रहा होता है। हमारी टैबलेट के एजेस को ये कवर कर रही होती है, हमारे टैबलेट के एजेस को ये राउंड कर रही होती है ताकि जो प्रॉपर टैबलेट की शेप और प्रॉपर उसके अंदर वेट गेन आ सके। तो इसके लिए जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो बेसिकली डाइल्यूटेड सुक्रोज सॉल्यूशन होता है, और डाइल्यूटेड सुक्रोज सॉल्यूशन को जो अप्लाई करने के मेथड होते हैं इस स्टेप में वो दो मेथड होते हैं, एक होता है लेमिनेशन मेथड और एक मेथड होता है सस्पेंशन मेथड। जो लेमिनेशन मेथड होता है इसमें हम अप्लाई करते हैं हमारा एक बाइंडर सॉल्यूशन होता है, बेसिकली बाइंडर सॉल्यूशन टैबलेट के ऊपर अप्लाई करने के बाद हम ऊपर डस्टिंग करते हैं पाउडर्स की, डस्टिंग करने के बाद उसको हम हीट करते हैं और इस प्रोसीजर के थ्रू हमारा टैबलेट के ऊपर एक कोट सबमिट होना शुरू हो जाता है। यानी कि लेमिनेशन मेथड में हम बाइंडर सॉल्यूशन को टैबलेट्स के ऊपर जो कि हम पहले सील कर चुके थे, सीलिंग वाली टैबलेट्स के ऊपर हम एक बाइंडर सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, फिर ऊपर डस्टिंग पाउडर्स अप्लाई करते हैं, फिर उसको हीट दी जाती है ताकि जो हमारा सॉल्यूशन था वो वेपोरेट हो जाए और हमारी जो लेयर होती है सॉलिड कंटेंट की वो टैबलेट के ऊपर सबमिट होना शुरू हो जाए। तो इस स्टेप में हमारी टैबलेट का वेट गेन हो रहा होता है, वेट गेन जो होता है वो 50-100% तक सब कोटिंग स्टेज में अचीव हो सकता है। तो हमारी टैबलेट का जो मेन वेट गेन होता है वो सब कोटिंग में हो रहा होता है। अब हम देखेंगे सस्पेंशन मेथड क्या होता है। सस्पेंशन मेथड बेसिकली हमारी लिक्विड सब कोट होता है, इसमें डस्टिंग अलग से नहीं की जाती, हमारे पास सस्पेंशन होती है फिलर मटेरियल की गम सॉल्यूशन के अंदर, टैल्कम यूज़ कर सकते हैं साथ या स्क्रोज यूज़ किया जाता है। तो उसमें डस्टिंग करते हैं अलग से हम बाइंडर सॉल्यूशन अप्लाई करके लेमिनेशन मेथड में, लेकिन सस्पेंशन मेथड में हमारी
टोटल जो सस्पेंशन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और लिक्विड फॉर्म का ही कोट अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ड्राइंग की जाती है और टेबल को ड्राई करके फर्दर कोट लगाए जाते हैं जब तक कि हमारा डिजायर्ड वेट अचीव नहीं हो जाता। तो ये तो था सब कोटिंग का स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है वो है स्मूथिंग या ग्रोसिंग। तो जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी टैबलेट को स्मूथ बना रहा होता है, जो इरेगुलर सर्फेसिस होती हैं उनको ये फिल कर रहा होता है, हमारे एजेस और टैबलेट की सर्फेसिस को ये प्रॉपर शेप कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होती है कलरिंग के लिए या पॉलिशिंग के लिए, उसके लिए हमारी टैबलेट ये सूटेबल हो। तो सिंपल सी ये स्टेज होती है जिसमें हमारा जो स्क्रो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो कंसंट्रेटेड होता है। सब कोटिंग में हम यूज़ करते हैं वो लेस कंसंट्रेटेड होता है, जो स्मूथिंग में हम स्क्रो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है। यूजुअली अगर हमारी कोटिंग प्रोसीजर स्मूथ चल रहा हो तो 70% स्क्रो सॉल्यूशन के 10 कोट अप्लाई किए जाते हैं और हमारी जो टैबलेट होती है वो प्रॉपर स्मूथ हो जाती है, जितनी भी उसमें इररेगुलरिटीज़ होती हैं वो फिल हो जाती हैं, हमारी जो टैबलेट की सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये होगी थर्ड स्टेज। अब हमारी जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है कलर कोटिंग। तो कलर कोटिंग डिपेंड करता है हम अपनी फॉर्मुलेशन में टैबलेट को कलर करना चाह रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कलर अप्लाई करना होता है तो इस स्टेज में हम कलर का कोट अप्लाई करते हैं, कलर सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है साथ। तो ये कलर कोटिंग का स्टेप होता है। इसमें भी बेसिकली स्क्रो सॉल्यूशन में हम कलर ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन कि आपने फॉर्मुलेशन किस तरह फॉर्मुलेट की है कि आपने ऊपर कलर कोट करना है। फिफ्थ स्टेप जो होता है वो पॉलिशिंग का होता है। हमारी टैबलेट जो होती है वो कोट हो चुकी होती है, पॉलिशिंग बेसिकली हमारी टैबलेट को शाइनिंग अपीयरेंस देती है। पॉलिशिंग शुगर कोटेड टैबलेट्स की मेन पहचान है कि बहुत शाइनिंग होती है, बहुत शाइन कर रही होती है शुगर कोटेड टैबलेट्स। तो वो जो शाइननेस होती है उसमें बेसिकली पॉलिशिंग के स्टेप से आती है। पॉलिशिंग के लिए हम कार्मोबा वैक्स, बी वैक्स यूज़ करते हैं। पॉलिशिंग के लिए स्पेशल टाइप का जो होता है कैनवस बैग वाला रोटेटिंग कोटिंग पैन भी यूज़ किया जा सकता है और सिंपल कन्वेंशनल कोटिंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं हम, जिसमें कोटेड टैबलेट्स के ऊपर कार्नोबा वैक्स अप्लाई करके उसको पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिशिंग के बाद हमारी टैबलेट्स के अंदर शाइनिंग आ जाती है। जो लास्ट स्टेप होता है वो प्रिंटिंग का होता है। ये भी डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से कि प्रिंटिंग है उसमें। अगर प्रिंटिंग होती है तो इस स्टेप में हर टैबलेट के ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली ये स्टेज डिपेंड करती है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी हमारी शुगर कोटिंग की सिंपल सी स्टेजेस के बारे में। सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। शुगर कोटिंग की 6 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है वाटर प्रूफिंग की, जिसमें हम टैबलेट के ऊपर एक कोट अप्लाई करते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। सेकंड स्टेज होती है सब कोटिंग की, जिसमें हमारा टैबलेट का मेन वेट गेन हो रहा होता है और जो हमारे टैबलेट के एजेस होते हैं उनको राउंड किया जा रहा होता है, राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट वेट। तो थर्ड स्टेज होती है वो स्मूथिंग की होती है, जिसमें थिक स्क्रो सॉल्यूशन अप्लाई करके हम जो टैबलेट सरफेस में इररेगुलरिटीज रह जाती है उसको फिल कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ स्टेज में टैबलेट को कलर कर रहे होते हैं। फिफ्थ में पॉलिश करते हैं और सिक्स में प्रिंटिंग होती है, रिक्वायरमेंट हो तो प्रिंटिंग भी करते हैं। तो आज के साथ ही आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम जो हमारी फर्दर टाइप है उसको शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।